नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ये बात कोई परिकल्पना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य बन चुकी है कि हर आदमी के अंदर एक शख्सियत नहीं बल्कि बटी हुई शख्सियतें होती हैं। एक उसे अच्छाई की ओर ले जाती है और दूसरी बुराई की ओर। ये उसे मां बाप के जीन से भी मिलती है, शिक्षा और संस्कारों से भी। हमारी कहानी एक ऐसी बटी हुई शख्सियत की है जिसे शिक्षा और संस्कारों ने तो इंसान बनाया लेकिन मां बाप से मिले जीन्स ने बना दिया उसे एक इंसानी बाज। हमार बिटिया नहीं मिल रही, यहीं कहीं खेल रही थी। अरे हमार लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बिटिया, माजी। After seeing your grandson's all the reports, we have called doctors from International Psychiatrist Forum. His Dr. Shanley from UK. Hello, ma'am. And his Dr. Ross Thomas from USA. और हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपका बच्चा जिस तरह बिहेव कर रहा है उसकी वजह उसे हेरिडिटी से मिला जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। माँ पागल थी, बाप ने सुसाइड किया था। इट मीन्स आपका बच्चा जिस तरह के डिसऑर्डर का शिकार है उसमें मरीज किसी खास तरह के ऑब्जेक्ट को देखकर एक्साइट होता है, जैसे आपका बच्चा ब्यूटी को देखता है। अभी वो बच्चा है, इसलिए कहा जा सकता है कि जो चीजें उसे अट्रैक्ट करती हैं उन्हें वो खत्म कर देना चाहता है। दिमागी तौर पर वो ये समझता है कि उस चीज पर सिर्फ उसका ही हक है एंड बाय डिस्ट्रॉइंग देम वो सेटिस्फाई हो जाता है कि अब वो किसी और को नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? प्यार और परवरिश। अगर बच्चे को भरपूर प्यार मिले और उसकी अच्छे से परवरिश की जाए, उसके आसपास का माहौल अच्छा हो और उसकी संगत अच्छे बच्चों के साथ हो तो 99% आपका बच्चा ठीक हो सकता है। और हाँ,
1% डर सिर्फ इस बात का है कि अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो हश्र आपकी बहू का हुआ वही इस बच्चे का भी होगा। जिंदगी भर उसे पागल खाने में ही रहना। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं समझ गई, मैं अपने वंश को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इसको बचाऊंगी, किसी कीमत पे बचाऊंगी। मैं उसको अपनी ममता के साए में पालूंगी। से को
इतने खूबसूरत फूल के साथ ऐसा बदसूरत सलूक। आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता। जैसे आंखें जमीन और आसमान का मिलना देखती हैं, जो सच नहीं होता। रेत में पानी भी देखती हैं, जो सच नहीं होता। बातों का जाल बुनकर गलत हरकतें छिपाई नहीं जा सकती। गलत हरकत वैसे एक बात है, अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा यकीन करते हो तुम। ये देखो, इस फूल में कीड़े लग चुके हैं और मैं इसको खत्म करके यहां के इन तमाम खूबसूरत फूलों की हिफाजत कर रहा हूं, समझे? समझ गए। हाय। बिल्कुल सही ठहरे तुम। खूबसूरती हमेशा बेदाग होनी चाहिए। अगर उस पर दाग लग जाए तो उसे खत्म कर देना चाहिए। Anyway, let's go. Sure. Thanks for coming, guys. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Jai Singh Dabral की इस पार्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मशहूर अंग्रेजी राइटर हेनरी हेवलॉक एलिस का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। ये लेखक अपनी किताब में कहता है कि ब्यूटी इज द चाइल्ड ऑफ लव, यानी सुंदरता प्यार की संतान है। आज रात दबराल साहब की इस पार्टी में ये बात मुझे साबित नहीं करनी, तीन ब्यूटीफुल छोरियां ये साबित करेंगी कि ब्यूटी क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मिस नैनीताल के कंपटीशन का फाइनल राउंड है और इस लास्ट राउंड में मुकाबला है तीन सुंदरियों के बीच में, और जिनके नाम है प्रीति रस्तोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। भावना नेगी। ऑलराइट। लुकिंग नाइस। बेस्ट ऑफ लक दीदी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कनिष्का कपूर। All the best. Yeah, look at the wall. Best of luck. चेहरे पे दिन है, जुल्फों में रात है, चेहरे पे दिन है, जुल्फों में रात है, आप तो आप है, आप तो आप है, आपकी क्या बात है। आपका हुस्न चलो सबसे अलग ठहरा, आशिक न हो तो फिर क्या बड़ी बात है, आशिक न हो तो फिर क्या बड़ी बात है। चेहरे पे दिन है, सुल्फों में रात है।
हो छुपा सागर में फिर वो मोती भी क्या, ना चले दीपक में फिर वो ज्योति भी क्या, होता ना हुस्न तो फिर करते तुम इश्क क्या, यही है ना गुरू। खुद पे ही इतराते हैं कैसा है ये सुरू। चांदनी ना हो तो होता फिर चांद क्या, मीठी ना हो धुन तो होता फिर साज क्या, परवाने ना हो तो फिर शम्मा का हुस्न क्या, congrats, wow, all yours. You're right. Congratulations, madam ji. किस लिए? हारने के लिए? हारने के लिए नहीं, आपके बच जाने के लिए. क्या मतलब? लो, आप मतलब ही नहीं समझी. अरे मैडम जी, अगर आप मिस नैनीताल बन जाती ना, तो वो जो मेंटल किलर है ना, वो आपका भी, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं भी तो यही चाहती थी मिस्टर चौटाला, इसलिए तो मैंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, ताकि वो मुझ तक पहुंच सके और मैं उसका, टू बी वेरी फ्रैंक. क्या बात है मैडम जी, कमाल हो गया. नाउ प्लीज लीव मी अलोन. सॉरी मैडम जी. टफ दीदी, आज तो मिस नैनीताल बनी हो, इसके बाद मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स. नैना, जो मिस यूनिवर्स बनेगी वो मिस वर्ल्ड कैसे बन सकती है? अच्छा, बाय द वे दीदी, मिस यूनिवर्स टाइटल का क्या मतलब होता है? मिस यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड सुंदरी. ब्रह्मांड? तो क्या धरती के अलावा भी कहीं लड़कियाँ होती है? ये जाके तुम अपनी ज्योग्राफी टीचर से पूछना. ये क्राउन अब हम लोग छुपा देते हैं, कल सुबह जब माँ आएगी लखनऊ से तो उसे सरप्राइज देंगे. ओके. बहुत मजा आएगा ना दीदी. नैना, बहुत रात हो चुकी है और मैं बहुत थक गई हूँ, चल चेंज करते हैं और सो जाते हैं. ओके मैम, मैं शाल लेके आती हूँ. Thank you.
कौन है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की मौकाए वारदात पर मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी। जैसा कि मेरे क्लाइंट ने अपने बयान में कहा है कि वो मिस भावना नेगी को उनकी कुछ तस्वीरें देने गए थे। वो डोरबेल बजाने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, इस मामले में दो चश्मदीद गवाह हैं। एक मिस भावना नेगी की छोटी बहन नैना नेगी, लेकिन इस हादसे के बाद बदकिस्मती से वो कोमा में आ गई हैं। और दूसरे चश्मदीद गवाह हैं मिस्टर हरि विश्नोई। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर हरि विश्नोई से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर विश्नोई, आपने अपने बयान में कहा है कि आपने अपने बेडरूम की खिड़की से पूरा हादसा देखा, मेरे क्लाइंट को अरेस्ट होते हुए देखा, और आपको यकीन है कि मेरे क्लाइंट ने ही मिस भावना नेगी का कत्ल किया है। जी हाँ। आपको याद है जब यह हादसा हुआ तो रात के कितने बजे थे? जी, यही कोई 1:30-2 बज रहे होंगे। उस वक्त आप जाग रहे थे या सो रहे थे? जी, सो रहा था, लेकिन सामने के बंगले से उठापटक की आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं सीधा खिड़की के पास गया और वहीं से मैंने सब कुछ देखा।
मिस्टर विश्नोई, आप चश्मा पहनकर सोते हैं? जी नहीं, कोई चश्मा पहनकर थोड़ी सोता है। इसका मतलब जब आपने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट होते हुए देखा तो आपने चश्मा नहीं पहन रखा था, राइट? जी नहीं। आपने जो चश्मा अभी पहन रखा है वो दूर का है या पास का? जी दूर का, मेरी नजदीक की साइड ठीक है। मतलब अभी अगर आप ये चश्मा उतार दें तो आपको मेरी शक्ल तो साफ साफ नजर आएगी लेकिन जज साहब की शक्ल धुंधली नजर आएगी। जी योर ऑनर, जो शख्स दिन के उजाले में बिना चश्मे के साफ नहीं देख सकता उसे रात में कोई चेहरा साफ कैसे नजर आ सकता है? फिर विटनेस बॉक्स और आपके बीच जितना फासला है, मिस्टर विश्नोई और मिस भावना नेगी के बंगले के बीच का फासला उससे कहीं ज्यादा है। जाहिर है चश्मदीद गवाह मिस्टर विश्नोई के बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता और प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई विटनेस या सबूत नहीं है। द कोर्ट अग्रीज विद द डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूशन वाकई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, लिहाजा ये अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है। नेहा, क्या हुआ नेहा? Are you all right? Kya hua? I'm fine. I'm so excited. I finally got the job. Really? Kahan? Kis jagah? Arre Neha, bata to sahi kahan mila? My favorite place, Nainital. Hasi wadiyan, khoobsurat nazare, thandi hawaye, and no entry for pee pee, paw paw and pollution. Pata hai? Mr. Dabral ne mujhe chuna hai. Unka ek huge bungalow ka interior exterior decorate karne. Chalo, main dikhati hu. Unhone photograph bhi bheja hai. Wow, what a location! मेरा पहला ही जॉब इतना इंटरेस्टिंग होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। ये लीजिए बहन जी। थैंक यू। हाँ ये लो। अच्छा बहन जी। कूली। Beauty with purity. आप यही के रहने वाले हो? हाँ, रानीखेत। क्या नाम है आपका? नारायण। वो मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? शीतला देवी का। और यहाँ से कितनी दूर है नारायण? पहुँच गए।
नेहा चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली जी थैंक यू डबराल साहब आप बैठिए मैं बताता हूं उनको साहब कहां है आ गई नेहा चोपड़ा हाँ साहब नेहा चोपड़ा तुम आई गई हमारी दुनिया में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हें देखकर ये कह सकता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था प्लीज सिट डाउन नो थैंक यू सर ये मेरा पहला ही असाइनमेंट है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं आपको मेरा काम जरूर पसंद आएगा पहले मैं इंसान को पसंद करता हूं फिर उसके काम को मुझे तुम पसंद आ गई तो तुम्हारा काम भी पसंद आ जाने वाला ठहरा वैसे आई लाइक योर कॉन्फिडेंस यही वो कॉन्फिडेंस है जिसके जरिए लोग मेरे करीब चले आते हैं अगर तुम चाहो तो अभी मेरे उस बंगले पर जा सकती हो जो मेरे पुरखों का है जो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तरह खूबसूरत बनाओ बट इफ यू वॉन्ट टू गो लेटर नो प्रॉब्लम सर मैं अभी चली जाऊंगी और रहने का जहां तक सवाल है तुम कहीं भी रह सकती हो वहां या यहां हमारे पास as you wish yes sir मैं साइट देखकर आपको बता दूंगी नेहा मैं अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझता बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझता हूं जी क्योंकि प्रॉपर्टी पर अपना हक होता है और जिस पर अपना हक होता है इंसान उसका ख्याल ज्यादा रखता है लेकिन तुम भी दो बातों का ख्याल रखना मुझे ना सुनने की आदत नहीं और सवाल करने वाले मुझे ना पसंद ठहरे मैं इसका ख्याल रखने की कोशिश करूंगी सर रखो इसके जरिए मैं तुम तक कभी भी पहुंच सकता हूं थैंक यू सर ब्यूटी विद ब्रेन्स कैसी लगी मेरी चॉइस आपकी तरह सर बिल्कुल अलग
नेहा चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली? हाँ। नाथूराम उर्फ नारा, पजामे में बांधने वाला नारा नहीं, इलेक्शन में लगाने वाला नारा नहीं, केवल नारा। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। ये प्राणी आपको परेशान कर सकता था, इसलिए मैंने खामोश कर दिया। मैं मैदान का रहने वाला हूँ, पहाड़ मुझे पसंद नहीं, नैनीताल भी नहीं। अगर आपको यहाँ रहना हो तो आपके लिए मैंने कमरा साफ करवा दिया है। यदि आपको रात को यहाँ अकेले में डर लगे या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज प्लीज नाथूराम नाड़ा को बिल्कुल याद नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ड्यूटी इन द नाइट। मैडम, आपको मेरी इस खास घड़ी को देखकर अब तो अंदाजा हो गया होगा कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। मैं तो ये मानता हूं कि जो बेवकूफ इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता बल्कि बर्बाद कर देता है उसको, वो बात अलग है कि यहां मेरी जिंदगी चूहों ने बर्बाद कर दी है। शाम को 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है और इस वक्त मेरी घड़ी में बज रहे हैं 4:59:27 और मुझे अपनी जूलियट यानी स्कूटी तक पहुंचने में 7 सेकंड लगेंगे। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ बाकी बचे 26 सेकंड और इतने कम समय में मैं आपकी किसी बात का जवाब दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल सुबह ठीक 9:23 पे नारा हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जैसा मालिक वैसा नौकर, मजा आएगा। पपरा पपारारा, पपरा पपारारा, ला ला ला, पपरा पपारारा, पपरा पपारारा, ला ला ला, ला 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 ला। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है। यहाँ की बालाई में शॉर्ट सर्किट है, आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए, देखिए वो देखिए, शॉर्ट सर्किट हुआ है। अगर शावर का टैप छू लेती तो चिपक जाती उससे। ओह माय गॉड, अब समझ में आया? कब से डोरबेल बजा रहा हूँ मैं, लेकिन आप तो बस अपनी धुन में थी, मजबूर होकर मुझे इस तरह आना पड़ा। अब रुकिए, अभी आया। अब सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनिए, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ठीक है, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन मेरा तरीका गलत था, इरादा नहीं। थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं। वैसे मेरा नाम राज है और मैं सामने वाली कॉटेज में रहता हूँ। आप शायद डबराल साहब की खास मेहमान हैं। मेहमान नहीं, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ। माय नेम इज नेहा चोपड़ा। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री ली है और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ओह, क्या बात है, मतलब चीजों को खूबसूरत बनाने की पढ़ाई की है आपने। जी। वेरी गुड। वैसे मेरे शौक भी कुछ ऐसे ही है, धीरे धीरे जान जाएंगे आप। और हाँ, कभी कोई जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा, आपने नहीं भी किया तब भी हाजिर हो जाऊंगा। बाय। वैसे एक बात है, बहुत कम लोग होंगे जिनकी पहली मुलाकात ऐसी हुई होगी। ब्यूटी विथ बॉडी। Thank you.
थैंक यू तिवारी। हेलो। देखा, चाहा और पहुंच गया तुम तक। कैसी लगी लोकेशन? जवाब नहीं है सर, सुपर्ब। यहाँ का इंटीरियर और लैंडस्केपिंग एक चैलेंज है, एंड आई लव चैलेंजेस। थैंक यू सो मच सर। गुड। खास समय पर खास काम के लिए खास इंसान को ढूंढ लेना मेरी खासियत ठहरी, मानती हो ना तुम? यस सर। सर, काफी आवाजें आ रही हैं। कोई बचने की कोशिश कर रहा है। तुमने अपने रहने के बारे में क्या सोचा? मैं यही रह लूंगी सर। यहाँ रहकर मैं अपना काम और ठीक से कर पाऊंगी। तुम आराम से रहो वहां पर बिना किसी डर के, क्योंकि मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला हुआ। थैंक यू सर। नाइस, इंटरेस्टिंग गर्ल। कमिंग, वन सेकेंड। आई एम बैक। मैंने कहा था ना, आप याद नहीं भी करेंगी तब भी। आइए ना। लेकिन ये सब क्या है? देखिए, अभी मेरे आने की दो वजह है। पहली, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता था कि मैं शरीफों की तरह भी अंदर आना जानता हूँ। और दूसरी, मैं जानता था यहाँ का कैटेगर नाथुराम, जो समझ में नहीं आता घड़ी उससे पैदा हुई है या वो घड़ी से ठीक 5 बजे चला गया होगा। और मुझे पूरा यकीन था इस वक्त आपका दिल चाह रहा होगा गर्मा गर्म चाय पीने का। लीजिए। बस फिर क्या था, अपने आप को एक अच्छा पड़ोसी साबित करने की तमन्ना जोश मारने लगी, फिर चाय ने उबल कर दम लिया और हाथों ने सैंडविच बनाकर ये लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आप। हाँ, तभी तो यहाँ सुनसान में अकेला रहता हूँ। अब आप शायद सोच रही होंगी कि मैं करता क्या हूँ। तो आपका काम है चीजों को खूबसूरत बनाना, और मेरा काम है खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देना। नहीं समझी ना? मैं एक फोटोग्राफर और पेंटर हूं, और इतना कमा लेता हूं कि ठीक ठीक तरीके से रह सकूं। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, चलता हूं। वैसे एक बात है, छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? आइंदा दरवाजा देख के खोलना। गुड नाइट। ऐ हवा तुझ में नमी,
लगती है कमी। ऐ सुबह तू शबनमी, ऐ घटा तू सुरमई। देखते ही दिल को जो लूट ले, ऐसा है जादू किसी में कहां। तुम्हें तन्हा न छोड़ेगी मेरी निगाह, तुम्हें तन्हा न छोड़ेगी मेरी निगाह। के आँखों में हो तुम ही तो बसे, ऐ सुबह तू शबनमी, ऐ घटा तू सुरमई। दिल बेताब है बस यही ख्वाब है, तुझको मैं अपना बना लूं सनम। तुझे दुनिया से छीन लूं तेरी कसम, मोहब्बत की है ये दीवानगी। सुबह तू शबनमी, ऐ घटा तू सुरमई। ऐ हवा तुझ में नमी, मैडम आइए। आप करेक्ट 36 मिनट 37 सेकंड लेट हो चुकी हैं। अगर हम दोनों 20 किलोमीटर की स्पीड से भी चले होते तो टाउन के बहुत नजदीक पहुंचे होते। मिस्टर नथुराम जी, कुछ दिन और तुम्हारे साथ रह लूंगी ना तो सारी घड़ियां ही तोड़ दूंगी। मैडम आप घड़ियों को जरूर तोड़िएगा, नथुराम को नहीं। आइए बैठिए। इस खटारे पर बैठकर टाउन जाएंगे। खटारा? मैडम ये मेरी जूलियट है। मैडम कुछ नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी के 100 घंटे 36 मिनट और 52 सेकंड इस्तेमाल किए। मैंने इसको इसका मेरा कुछ जज्बाती रिश्ता है मैडम। अच्छा चलो चलिए। अरे अरे क्या चला? What is this नाथू? तुम्हारी BMW खटा रहा है। चलो ठीक कराओ। बंद हो गई, गर्म हो गई होगी। इससे पहले इस पे कोई लड़की बैठी नहीं और आपने इसे खटारा भी कह दिया। लेकिन मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। हाँ अरे बाबा चलो। अरे नथुराम जी, इतनी आन बान और शान के साथ ये सवारी किधर जा रही है? टाइम सर जी, टाइम। टाइम खराब हो तो कुत्ता भी ऊंट की पीठ पर बैठे हुए आदमी को काट लेता है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मंजिल का कुछ पता नहीं, रुकना मेरी आदत नहीं। पता चलते ही बता दूंगा कि कहाँ जा रहा हूँ। वैसे एक बात है, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ आप जा रही हैं। तो चलिए। कहाँ? टाउन। अरे आप लोग यहाँ एक मिनट से टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से भी जी, एक शेर सुनिए। इरशाद इरशाद। यह एहतियात जरूरी नहीं सभी के लिए। वाह वाह। यह एहतियात
जरूरी नहीं सभी के लिए, घड़ी घड़ी की खबर रखना दो घड़ी के लिए। बाय 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 नाथू। अरे मैडम को सेफली ले जाना और 5 बजे से पहले वापस लाना, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ड्यूटी इन द नाइट। जल्दी करना, उधर क्या देख रहा है? हाँ मिल गई, यही दुकान है। जो चीज आपको चाहिए यहाँ मिलेगी। ओके। वैसे दो और दुकानें भी हैं, लेकिन वहाँ 10 रुपए की चीज 50 में मिलती है, वही प्रॉब्लम है। और देखिए हर तरह की बुक्स भी मिल जाएंगी, डिजाइनर बुक, कुक बुक, फोन बुक भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ का ओनर थोड़ा सा क्रैक है। क्यों? बहुत बोर करता है, भाग जाते हैं। चलिए। लगता है आप ये शहर और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ लेकिन ये शहर और यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। क्यों? चलो अभी मैं आपको एक अच्छी कॉफी पिलाता हूँ। गुड आइडिया। ये है बोट क्लब। इट्स सो प्रिटी। ये नैनीताल का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए लाया हूँ यहाँ कॉफी पिलाने। इट्स रियली नाइस। यहाँ बैठ। यस भाई साहब, दो कॉफी लेकर आइए। सिट। चलो पाजी, ऐसे नहीं बैठना। हाँ जी, चलो जी चलो। राज, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, यहाँ के लोग आपको देखकर बहुत बहुत अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं। शायद आपसे डरते हैं। आप कहीं यहाँ के दादा वादा तो नहीं है ना? आपको क्या लगता है? थैंक्स। लोगों को मुझसे डरना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कोई तो वजह होगी। सही वजह क्या है ये जान जाएंगे आप। वैसे एक बात है, एक वजह आप भी हैं। मतलब ये जो नैनीताल है एक छोटी सी दुनिया है, और ऐसी दुनिया में जब ऐसी खूबसूरत लड़की एक ऐसे लड़के के साथ हो तो वही होता है जो आप देख रही हैं और महसूस भी कर रही हैं। ए नाथू, कम है। हाँ, कल सुबह ठीक 8:30 बजे सबसे अच्छे नर्सरी के मालिक को बुला लीजिए, मुझे उनसे कोटेशन लेना है। ये ऑर्डर आपको 57 मिनट डिले करना पड़ेगा। अरे आप? नाथुराम जी, 9:27 से पहले यहाँ नहीं आ सकते हैं। सर जी, मैं वक्त पर तो आता हूँ, कई लोग बेवक्ती हर जगह पहुँच जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो? कचरा एक जगह। मैं आपको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, और मुझे पता ही नहीं चला। पता चल जाए तो फिर फॉलो करने का क्या मतलब हुआ? वैसे एक बात है, आप बहुत दिल लगा के काम करती हैं। अरे भाई इरशाद, वो क्या है ना राज, इस घर का एक्सटीरियर काफी मुश्किल है। काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता और मैं इस घर का टॉप व्यू देख पाती। टॉप व्यू? वो तो आप अभी देख सकती हैं। रियली? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। ओह कम ऑन राज, ऑफ कोर्स मैं आप पर यकीन करती हूँ। तो चलिए। चल। वैसे एक बात है, आप बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं। उधर जाओ।
नेहा तुम यही रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। ओके ओके। हेलो मिस नेहा चोपड़ा। यस। तुम्हारी जान खतरे में है। व्हाट? योर लाइफ इज इन डेंजर। कौन बोल रही है आप? फिलहाल तुम इतना समझ लो कि मैं तुम हेलो 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 किसका फोन था? पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी मेरी जिंदगी खतरे में है। खतरा तो है, जमीन से काफी ऊपर सिर्फ एक तार पर झूलते हुए अकेले इस पार से उस पार जाना खतरे की बात तो है। चले चले। ओके बाय। हाँ चलिए आप आ जाइए। ओ यस यस। देखो नीचे देखो नेहा। नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, मेरे बाजुओं पर भरोसा नहीं है? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तो मेरी आंखों में देखो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। देखो
तुझको भी खुदा ने बनाया, तू भी खुदा की कुदरत है। तुझसे मोहब्बत सच पूछो तो, तुझसे मोहब्बत सच पूछो तो पाके खुश हैं हम।
क्या आर्किटेक्चर है, कितना खूबसूरत मंदिर है ना राज। देवी माँ का है, लेकिन मेरे लिए ये मंदिर नहीं, माँ की गोद है। जब भी लगता है थक गया हूं, यहां आ जाता हूं। इतनी सारी घंटियां, ये किस लिए राज? घंटियां देवी माँ पर लोगों का विश्वास है, जिसकी मन्नत पूरी होती है एक घंटी यहां बांध जाता है। और मेरा विश्वास है तो प्यार करने वाले अगर एक साथ घंटी बांधे तो उनका प्यार अटूट हो जाता है हमेशा के लिए, उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे तुम वाकिफ हो रही हो यहां की आबो हवा से, यहां के रास्तों से। लेकिन एक बात याद रखना, बड़े ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते ठहरे यहां के। जिस रास्ते से तुम ऊपर जाना चाहती हो वो रास्ता तुम्हें नीचे लाकर छोड़ता है। जो तुम्हें अपने सामने बिल्कुल करीब दिखाई देता है वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना काफी वक्त लग जाता है, और मैं तुम्हें वक्त दिए जा रहा हूं। सर, मुझे मालूम है मैं यहां क्या करने आई हूं, और पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही हूं। आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम सर। नो, यू आर नॉट। इनफैक्ट मैं खुश हूं तुम्हारी मेहनत और लगन से। अपने आप को खतरे में डालकर इस जगह को टॉप व्यू से देखना, आई लाइक योर अप्रोच। किसी भी चीज का फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह से परखना चाहिए, जो तुम भी कर रही हो और वो मैं भी कर रहा हूं। मगर इस वक्त वक्त बर्बाद होते जा रहा है। जी, मेरा मतलब है ये वक्त डिनर का ठहरा। लेट्स गो। सर, वो क्या है कि मैंने कहा था तुमसे कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और सवाल करने वाले मुझे ना पसंद ठहरे। एनीवे, फिर कभी। गुड नाइट। और पता है, मैं अंदर आ गई और एकदम से डर गई। डबराल साहब खड़े थे अंधेरे में। फिर क्या, जैसी उनकी आदत है बैकी बैकी बातें करने लगे और फिर मुझे डिनर पर इनवाइट किया। लेकिन वो समझ गए कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी और फिर चले गए। लेकिन पता है, मैं बहुत डर गई थी। चलो खाना खा ले अब। सॉरी, सर्व करने की तमीज नहीं है, अंधे होकर चलते हो। सॉरी सर। किसने रखा तुम्हें काम के लिए, दफा। राज, इट्स ओके, गलती हो गई। रिलैक्स। नई जैकेट खराब कर दी मेरी। क्या देख रहे हैं, साफ तो कर। जी सर। इडियट। भैया, ठीक से दिखना चाहिए ना, जल्दी से साफ कर दीजिए। हेलो। तुम्हारी जान खतरे में, यू आर इन डेंजर। क्या, कौन बोल रहे हैं, कौन है आप? पहले किसी लड़की का फोन आया था और अब आपका। तुम इस समय जिसके साथ हो, he's a dangerous man, believe me। क्या बकवास कर रहे हैं आप, what nonsense is this? कौन है आप, who are you?
Deputy Superintendent of Police, Harsh Vardhan. तुम अभी आकर मुझे कोतवाली में मिलो. और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया. नेहा, किससे बात कर रही हो? हाँ, हाँ भैया. भैया, लो मैं. नहीं नहीं नहीं. हाँ. वो तुम्हारे साथ है शायद. हाँ. ठीक है. तुम कल सुबह आओ. मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा. हाँ ठीक है. मैं फोन कर लूँगी. सब ठीक है ना? हाँ हाँ. वो भैया का फोन था ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, हालचाल पूछ रहे थे. आओ चले. हाँ चले. मुझे नहीं लगता आपने नेहा को राज के बारे में बताकर ठीक किया. मुझे लगता है, एक्चुअली मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपनी लाइफ में कभी शतरंज का खेल नहीं खेला. और एक पुलिस वाले के लिए शतरंज का खेल खेलना अच्छी तरह आना चाहिए. शतरंज के लिए तो सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन पुलिस वालों का तो दिल भी होता है. कोई ऐसा खेल नहीं मालूम आपको जिसमें दिल का इस्तेमाल हो? प्रीति, एक सलाह देता हूं तुम्हें, एडवाइस, फ्यूचर में कभी भी यूज कर लो. ड्यूटी के लिए जब निकलती हो ना, तब अपना दिल घर में रखने की आदत डाल लो. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो दिल का खेल होता ना, उसमें अक्सर जीत किसी की नहीं होती. एंड एज यू नो, आई हेट लूजिंग. बाय राज, गुड नाइट. गुड नाइट. नेहा, भैया का ही फोन था? हाँ हाँ, भैया का ही फोन था. नहीं, वो फोन डीएसपी हर्षवर्धन का. वैसे एक बात है, प्यार करने वाले झूठ बोलना नहीं जानते. गुड नाइट. हेलो. फिर से अंधेरा हो गया. तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं. ये छोटी जगह है, अंधेरे उजाले का ये खेल यहाँ आम बात है. मुझे अंधेरे बहुत अच्छे लगते हैं. शुरू में डराते हैं, लेकिन जब हम इनके आदी हो जाते हैं ना, तो ये दोस्त बन जाते हैं. नेहा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है शायद. नहीं तो? बेकार की बातों के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में, अपने प्यार के बारे में सोचो. नेहा, तुमने कभी चांदनी रात में नैनीताल की पहाड़ियों को देखा है? खिड़की खोलो. खिड़की? हाँ नेहा, खिड़की खोलो. मैं आ गई हूं. कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये पहाड़ियां. अब चांद को देखो. अब इस वक्त मेरे सामने दो चांद हैं, और ये तय करना मुश्किल है कि ज्यादा खूबसूरत कौन है. बटराज, नेहा, इस वक्त सिर्फ चांद को देखो और कुछ कहो अपने मन में. तुम भी, मैं भी, और अगर हमने दिल से सच्ची बात कही तो लाइट आ जाएगी. लो,
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम भी कर लो। क्लोज योर आईज नेहा। I love you. I love you, Neha. तुमने भी यही कहा था ना? हाँ. I love you, Raj. I love you. Good night. मिस नेहा? यस। डीएसपी हर्षवर्धन। हेलो। मैंने आपको फोन करके बुलाया था। जी। चलिए। सर, मिस नेहा, एसपी सूरज विश्नोई, प्रीति रस्तोगी। हेलो। हाय। प्लीज सिट डाउन। जोशी। यस सर। मिस नेहा, शायद आप नहीं जानती, लेकिन पिछले कई महीनों से नैनीताल में काफी लड़कियों का कत्ल हुआ है, सुंदर लड़कियों का। उनमें से 5 लाशें भी मिली है। मेघना श्रीवास्तव, विनीता शर्मा, सुषमा गुप्ता, गीता पांडे और मिस नैनीताल भावना नेगी। 6 लड़कियां लापता हैं, जिनके बारे में हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है और ना ही उनकी डेड बॉडीज। मिस नेहा, जिन लड़कियों की लाशें मिली है उनका कत्ल एक ही तरीके से हुआ है और हर लाश के पास ये चीजें मिली है। कहने का मतलब है हर कत्ल के पीछे एक ही शख्स का हाथ है और वो शख्स है राज सिंह। वही राज सिंह इस वक्त जिसके तुम बेहद करीब हो। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ नेहा, यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। जिसने भी राज को देखा है, मिला है, वो ये कभी नहीं मानेगा। वो अपनी पर्सनालिटी का फायदा उठाकर खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करता है। और तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर उनके यकीन को हासिल करता है, उनसे प्यार का झूठा नाटक करता है और फिर एक दिन, और इस बार उसका निशाना तुम हो। जब से तुमने नैनीताल में कदम रखा है तुम पर नजर है मेरी, आई मीन हम सब की। देखो, हर बार हादसा होने के बाद ही हमें हादसे के बारे में पता चला, लेकिन इस बार कुछ होने से पहले ही हम उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। समझ रही हो ना तुम? हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग इतना ही श्योर हैं तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे पिछले मर्डर के वक्त हमने उसे गिरफ्तार किया था। What? हाँ, लेकिन उसके वकील ने गवाह को दलीलों में ऐसा उलझाया कि अदालत ने उसे बेकसूर मानकर छोड़ दिया। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो सॉरी, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती। कोर्ट ने उसे बेकसूर माना है तो मैं उसे गुनेगार कैसे मान सकती हूँ? देखो नेहा, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? कुछ भी कहे जा रहे हैं आप लोग, पुलिस को किसी पर भी शक करने का अधिकार हो सकता है, यकीन करने का नहीं। और मैं मानती हूँ राज किलर नहीं। राज इज अ किलर। हमारी बात मानो वरना कल तुम्हारी फोटो बाकी लड़कियों को दिखा रहे होंगे। नेहा, शायद तुम हमारी बात इसलिए नहीं मान रही हो क्योंकि तुम इससे प्यार करने लगी हो। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं पागलपन है नेहा, खुदकुशी है। तुम खुली आँख से खाई की तरफ बढ़ रही हो। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पुलिस की मदद करना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ सर, मैं आप लोगों की मदद जरूर करती,
अगर मेरा दिल कहता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि राज हत्यारा नहीं है और दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। बाय बाय सर, एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूं। मैंने ठीक किया ना राज? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, अपने दिल की आवाज सुनता, यही कहता। राज, तुम और मैं अलग कहाँ हैं? दिल भी एक है, धड़कन भी एक है और आवाज भी एक है। आज की रात मेरे लिए एक बहुत खास रात है। आज तुम्हारा पूरा प्यार, पूरा यकीन हासिल कर लिया मैंने, और अब मैं तुम्हें अपना वो हुनर दिखाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। अच्छा? हाँ नेहा, एक ऐसी तस्वीर जिसे दिल ने देखा है, हाथों ने बनाया, अभी आया। हरिराज जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। बस अभी आया। राज, लाइट चली गई। रोज की बात है, आ जाएगी। राज, राज जल्दी आओ, लैंटर्न भी बुझ गई। Yeah.
टैक्सी आ गई क्या? आ गई मैडम। मेरा सामान नीचे ले आओ। जी मैडम। चली रंग न उड़ जाए उड़।
चर पंछी बच्चे बच्चे के संभाल संभाल निकल निकल रहा बच्चे बच्चे के संभाल संभाल निकल निकल रहा प्यार में ऐसा भी अक्सर हुआ है दिल के बदले ये जान भी चली जाती है मेरे दिल की आवाज सुनाई देती है यहां मैं वर्तमान को अतीत के आईने में या यूं कहो सांचे में ढालकर देखता हूं सर मैं आपकी नौकरी और ये शहर दोनों छोड़कर जा रही हूं ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर रिलेशन अब तक ठीक से नहीं बना रेजिग्नेशन लेटर बन गया नेहा तुम नैनीताल छोड़कर जा रही हो कोई बात मगर डबराल के काम को छोड़कर जा रही हो बात है शायद तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने एम्प्लॉयज को अपनी प्रॉपर्टी समझता हूं और प्रॉपर्टी से जुड़ा हर फैसला प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपराइटर करता है आई एम सॉरी सर आपके समझने से मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती आई हूं मैं जाऊंगी सर आई एम सॉरी मगर तुम दोबारा आओगे जानता हूं कम 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 लीव इट ऑन द साइड बाहर छोड़ो ठीक ही कर रही हो क्या फर्क पड़ता है कुछ और जाने जाती है तो कुछ और लड़कियां गायब हुई तो क्या फर्क पड़ता अगर खुलेआम घूमने वाला मुजरिम पकड़ा नहीं जाता वैसे भी गैरों के लिए अपनी जान खतरे में डालना बेवकूफी है सबको अपनी जिंदगी प्यारी है सब मरने से डरते हैं हाँ हाँ डरती हूं मैं मरने से क्या समझते हैं आप पुलिस वाले आपने देखे होंगे खूनी हथियारे मैंने नहीं देखे डरती हूं मैं मरने से डर लगता है मुझे मैं आई थी यहां कुछ सपने लेकर काम करने के लिए अपना करियर बनाने के लिए लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहुत बड़ी गलती दिल की आवाज सुनी मैंने प्यार किया मैंने विश्वास किया मैंने लेकिन लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसे लोग भी होते हैं आई वॉज रॉन्ग बहुत बुरा किया उसने
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज. I'm sorry. मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था. कभी हो भी नहीं सकता. प्लीज अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं. लेकिन नेहा एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी. एक बार मेरे साथ चलो. मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दिखाना चाहता हूं जो मौत से भी खराब है. ऐसी आंखें जो रो तो सकती है पर महसूस नहीं कर सकती. ऐसे होठ जो हंसना तो दूर हिल भी नहीं सकते. वो भी किसी की बहन है बेटी है लेकिन उसकी मां उसकी जिंदगी के लिए नहीं उसकी मौत के लिए दुआ करती है. उस मां से मिलाना चाहता हूं. चलोगी मेरे साथ? दोबारा तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा. एक बार फिर तुम्हें छोड़े खुद वापस आऊंगा. प्लीज प्लीज. थैंक यू. नमस्ते. आइए डीएसपी साहब. अब उसकी हालत देखी नहीं जाती. उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है. दे दो उसे भी जहर ही दे दो. उस हत्यारे ने अगर भावना के साथ इसे भी मार दिया होता तो ये रोज रोज की मौत तो नहीं देखनी पड़ती. सब ठीक हो जाएगा माची. सब ठीक हो जाएगा. प्रीति सब ठीक हो जाएगा माची. मुझे झूठी तसल्ली मत दो. मैं जानती हूँ मेरी बेटी अब कभी ठीक नहीं होगी. और वो हत्यारा यूं ही लड़कियों की हत्याएं करता रहेगा और आजाद घूमता रहेगा. कोई कुछ नहीं कर सकता है. ना आपका कानून ना आपकी पुलिस. चुप हो जाइए माजी प्लीज. ये नैना है भावना की बहन. ये देख सकती है सुन सकती है मगर कुछ बोल नहीं सकती. पिछले 6 महीनों से ये कोमा में है. अगर इसकी ये हालत न होती तो हम कभी तुमसे मदद के लिए नहीं कहते. भावना के साथ जो जो हुआ इसने अपनी आंखों से देखा है. उस किलर को भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है. अब कोई उम्मीद नहीं है. चलो निया मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ाता हूं. नहीं अब आप लोगों का मिशन मेरा भी है. मैं आप लोगों का साथ दूंगी. थैंक यू निया. थैंक यू वेरी मच. चलो निया तुम प्लान तो ठीक से समझ गई ना? हाँ. जैसे ही तुम्हें कोई खतरा दिखाई दे इस मोबाइल से 9 नंबर प्रेस कर देना. सी ऑल द बेस्ट. 9 नंबर प्रेस करते ही और मिनटों में हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे. ओके 9 नंबर रिमेंबर. ऑल द बेस्ट. वैसे भी हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगे. योर सिक्योरिटी इज ऑन हाई अलर्ट. अब मुझे मेरी नहीं उन लड़कियों की फिक्र है जो मेरी वजह से बच सकती है. Thank you. You'll be okay. Yeah.
चलो। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। यू कैन नॉट लीव मी लाइक दिस। तुम्हें कितना कितना मिस किया मैंने, कितना मिस किया। कल रात बिना बताए गायब हो गई थी, आज सुबह टैक्सी मंगा के नैनीताल चली गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं, मिली भी नहीं और फोन भी नहीं किया। वो क्या है कि कल रात मुझे अचानक सर में दर्द होने लगा और आज सुबह डबराल साहब का भी फोन आ गया। फोन? हाँ, वो काम के प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहे थे और फिर कुछ अजीब सी बातें करने लगे तो मेरा मूड ऑफ हो गया। और तुम चली गई? तुमने ये भी नहीं सोचा कि कितना परेशान हो जाऊंगा मैं? डबराल साहब ने कुछ कहा और सजा मैंने भुगती? पागलों की तरह दिन भर ढूंढता रहा तुम्हें। मैं रेलवे स्टेशन भी गया था लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी। नेहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। क्या हुआ नेहा, कुछ परेशान सी लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। तो फिर ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। ओके। वैसे एक बात है, तुम कुछ अलग से दिख रही हो। थकान ने तुम्हें और खूबसूरत बना दिया। I love you. Thank you.
ठीक नहीं किया नेहा, तुमने मेरे प्यार पर शक किया। ठीक नहीं किया। You cheated me. It's not fair. Happy birthday. Sir, आपको पता था? पता होना जरूरी नहीं, याद होना जरूरी ठहरा। चलें? पर कहाँ सर? हाँ। याद है। सवाल करने वाले आपको नापसंद ठहरे। लेकिन सवाल तो तुमने कर ही दिया। और हम मजबूरी और मर्जी का फर्क समझने वाले ठहरे और ये जानने वाले भी ठहरे कि बिना मर्जी के कोई मजा नहीं। हम तुम्हारी मर्जी का इंतजार करेंगे। गुड नाइट। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर प्रीति रस्तोगी को फोन देंगे, अर्जेंट बात करनी है। मैडम आपका फोन है। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, नैना कोमा से बाहर आ गई है और रिएक्ट करने लगी है। क्या? हाँ। रियली? मैं अभी हर्ष को बताती हूँ। हाँ जल्दी। ओके। हेलो। हाँ प्रीति। हर्ष, हर्ष कमाल की खबर है, तुम सुनोगी तो उछल पड़ोगे। अब कातिल जो भी है बच नहीं सकता। नैना, नैना को होश आ गया है। क्या? हाँ हर्ष, अभी नैना की माँ का फोन आया था, वो अभी कुछ बोल तो नहीं सकती लेकिन लेकिन वो लोगों को पहचान रही है। She is reacting. Are you sure? किसी को ये बात पता तो नहीं? नहीं हर्ष, पहले ये गुड न्यूज तुम्हें ही दे रही हूँ। Very good. तुम कहाँ से बोल रही हो? कोतवाली से। क्यों? नहीं कुछ नहीं, तुम वहाँ पहुँचो, मैं अभी आ रहा हूँ। और सुनो, ये बात किसी को भी मत कहना, किसी को भी नहीं। ओके। हाँ। वरना नैना की जान को खतरा हो सकता। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके हर्ष। गुड। हाँ नैना, बोलो नैना। मेरी दीदी को मरने वाला। हाँ नैना। हाँ नमस्ते। बेटा बेटा, भगवान ने कृपा कर दी है, इतने महीनों बाद मेरी बेटी होश में आई है। वो पहचान रही है बेटा। हाँ। हत्यारे को पहचान लेगी, तुम उसे छोड़ना मत। बोलो मुझे मारने। देखो नैना, नैना Thank you.
प्रीति, इसने कुछ कहा? नहीं, वो बताने वाली थी, पता नहीं। ओके। सॉरी माँ जी, सॉरी। प्रीति, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? गुड नाइट। गुड नाइट सर। नैना वाली फाइल क्लोज कर दो। और सुनो, ये बात किसी से भी मत कहना, किसी को भी नहीं, वरना नैना की जान को खतरा हो सकता है। स्ट्रेचर मंगा लो। राज, पकड़ो उसे, पकड़ के ले आओ। Yeah.
हर्ष देखो कैसे पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और ये देखो। जी सर, देख ही रहा हूं। बड़ी को घर पहुंचा दो। देखिए आप शांत हो जाइए। देखिए ये पंचनामा है सर। जी सर। ये मैंने सारी चीजें देखी थी, ये ग्लव्स, ये नाइफ, एवरीथिंग। सब कुछ पहले की तरह सर, सेम मॉडस ऑफ अप्रेंडी। लेकिन सिचुएशन सेम नहीं है हर्ष, इट्स अ प्रेस्टिज इश्यू फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। और ये बाहर देख रहे हो ना मीडिया वालों को। मीडिया को छोड़िए एसपी साहब, अपोजिशन वाले क्या करेंगे इसका अंदाजा है आपको? इस तरह तो सरकार चली जाएगी हमारी, और सरकार चली गई तो आप लोग भी, मेरे कहने का मतलब हम लोग तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मेयर साहब, आप यहाँ? मुझे बुला लिया था। जब मजा लेना हो तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, जब खबर लेनी हो तो मैं लोगों तक जाता हूँ। बात समझ गए ना? बड़े लोगों की बातें आसानी से कहाँ समझ में आती है सर, आप ही समझा दें तो बेहतर है। डीएसपी, मैं शहर का मेयर ठहरा, यानी ये शहर मेरा है, और तुम जानते हो कि मैं अपनी चीजों की हिफाजत किस तरह करता हूं। मैं जानता हूं मेयर साहब, लेकिन एक बात आप नहीं जानते, इस शहर की हिफाजत आपकी आदत हो सकती है या फिर शौक, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो तुम, यही जानने के लिए मैं यहां तक आया हूं। आज पूरा शहर तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारे फर्ज पर सवाल उठा रहा है, और जवाब मुझे चाहिए अभी, इसी वक्त। मैं इसके उस तरह खड़े होकर सवाल करना बहुत आसान है मेयर साहब, लेकिन जवाब जानने के लिए, बात को समझने के लिए टेबल के इस पार आना पड़ता है। एक मुजरिम के फरार हो जाने को उस तरफ से हमारी नाकामयाबी समझा जा सकता है, लेकिन हमारी कामयाबी इसी में कि एक सीरियल किलर जो खुलेआम शहर के सड़कों पर आप जैसे लोगों के पार्टियों में पाया जाता था, उससे छुपने और भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दलील का नहीं, वक्त नतीजे का ठहरा। We want result. अगर 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो मैं इसके उस पार जहां तुम खड़े हो कोई और खड़ा होगा। कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन जानता, लेकिन होगा वो जो होना चाहिए। कमनिया, जो मैंने तुम्हें बताया था वो याद है ना? एनी डाउट? नो डाउट। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू। नेहा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, सो यू बी केयरफुल, और 9 नंबर डायल करना भूलना नहीं। ओके, हाँ ठीक है, थैंक्स।
किलर नेहा प्लीज नेहा प्लीज आई एम नॉट द किलर नेहा मेरी बात तो प्लीज मेरी बात तो सुनो नेहा 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 प्लीज नेहा नेहा मेरी बात तो सुनो नेहा प्लीज आई एम नॉट द किलर नेहा नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज नेहा 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 दरवाजा खोलो प्लीज मेरी बात तो सुनो नेहा मेरी बात तो सुनो नेहा जल्दी आइए प्लीज नेहा 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 आंखें खोलो प्लीज प्लीज नेहा आंखें खोलो नेहा डीएसपी साहब मेरा यकीन करो मेरा यकीन करो डीएसपी साहब मैं सच कह रहा हूं डीएसपी साहब मेरी प्रीति को नहीं मारा डीएसपी साहब मेरा यकीन करो डीएसपी साहब ये क्या कर रहे हो यहां क्यों बांध रहे हो मुझे यहां क्यों लाए हो क्योंकि एक दिन तूने आपको ले आया था उसे अपनी बाहों में उठाया था तूने यहां उसके हाथों में अपना हाथ डालकर घंटी बांधी थी तूने यहां हमेशा साथ रहने की मन्नत भी मांगी होगी ना हाँ मांगी थी क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मैं और नेहा जानता नेहा सर नेहा नहीं है She's a bloody queen. एक परी, एक खूबसूरत परी, मेरी दुनिया की परी, बचपन से खोजता आया हूं मैं नेहा को उस दिन जब पहली बार स्टेशन के पास देखा तो मुझे लगा मेरी खोज खत्म हो गई मेरी दुनिया पूरी हो गई जानता मेरी दुनिया पूरी नहीं हो पा रही थी कितनी लड़कियां लाया मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकिन जब मैं
सब में कोई ना कोई कमी थी। हाँ हाँ, एक लड़की थी, मिस नैनीताल। उसे देख के ऐसा लगा कि वो इस कमी को पूरा कर देगी, लेकिन उसे भी नहीं ला पाया। प्रीति वहां पहुंच गई और मुझे वहां से जाना पड़ा, और फिर तू आ गया। सबने तुझे वो समझा जो मैं था, जो मैं हूं। यकीन नहीं होता ना, आंखें जो देखती है अक्सर सच होता है। काम मेरा, नाम तेरा। शराब किला नहीं, प्रोटेक्टर रखवाला, कमजोरती का, समझ गया ना? हे, लेकिन तू ये नहीं समझा कि मैंने तुझे नेहा को मिलने से और उसके साथ इधर उधर घूमने से रोका क्यों? इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि लोग तुझे ज्यादा से ज्यादा नेहा के साथ देखें, क्योंकि होना तो यही था। काम मेरा, नाम तेरा। उस दिन मैं बहुत टेंशन में आ गया था जब नेहा ने सबके सामने मुझे कोतवाली में कहा, I love Raj, मेरा राज किलर, वो तुझे लेकर बहुत सीरियस हो गई थी, तो मैं भी सीरियस हो गया। फोटोग्राफ्स, ग्लव्स, सिरिंज, चाकू मैंने रखा था तेरे घर में, और उसी रात नेहा ने मेरे सीने से लगकर मुझसे कहा, राज किलर है। काम मेरा, नाम तेरा। उस रात 5 दिनों के बाद मैं सुकून की नींद सोया, लेकिन प्रीति की आंख खुल गई। नैना मुझे देखते ही शॉक से मर गई। तो प्रीति को मुझ पर शक हुआ, उसने दादी माँ से बात की, मैंने सब कुछ बता दिया। दादी माँ को बताने की क्या जरूरत थी? उसे चुप करना जरूरी था। Oh,
मुझे जाने दो हर्ष। देखो हर्ष, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, अपना साथी माना है, सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें चाहा है। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने तो तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, इसलिए तो तुम्हें यहां कभी लाया नहीं। लेकिन आज आज तुम खुद यहां आ गई ना, तो वापस कैसे जाओगी? वापस जाओगी ना तो सबको बता दोगी, बता दोगी ना? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हर्ष। फिर दादी माँ को क्यों बताया तुमने? क्यों बताया? लेकिन लेकिन वो तो क्योंकि मेरा दिल कहता था हर्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई बात है हर्ष, कोई बीमारी है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेंटल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और ना ही मेरी माँ पागल थी। मेरी माँ पागल नहीं थी, मेरी माँ पागल नहीं थी। तू बता, क्या मैं पागल लगता हूँ, बीमार लगता हूँ मैं? गलत कहा था ना उसने, इसने मैंने उसे हमेशा के लिए उठा दिया और तेरे घर में रख दिया। उसकी लाश का मेरा नाम तेरा। लेकिन लेकिन आज के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं नेहा को अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। आज के बाद न वक्त उसकी खूबसूरती कम कर पाएगा और ना ही उम्र। वो आज जैसी है हमेशा वैसी रहेगी, खूबसूरत। उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा, यहां यहां, और कल हेडलाइंस होगी, नेहा चोपड़ा सहित दर्जनों लड़कियों का हत्यारा राज सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सबूत भी है मेरे पास, सुनना चाहता है ना? तो सुन सुन। इस बार काम तेरा ना मेरा है, लेकिन आज के पास सब ठीक हो। तुम टच्चा शर्तन, नेहा को छोड़ दे। नेहा, नेहा समझ गई ना? सुन लिया ना तुमने? I hate you. I hate you, हर्षवर्धन. No, you love me. And I love you. छोड़ दे इसे! Shut up! हाँ नेहा, नेहा, तुम मेरी हो. तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा मेरी है. चले? नहीं. चले हर्षवर्धन, चले अपनी दुनिया में। नहीं,
तेरा कहा सच कर दिया मां। नेहा, मेरी नेहा, तेरी नेहा। बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था, कोई बच्चा मेरे पास नहीं आता था, मेरे साथ बात नहीं करते थे। सब कहते थे तेरी माँ पागल है। एक दिन माँ ने मुझे कहा, बेटा कोई बच्चा तेरे साथ बात नहीं करता ना, तो मत करने दो। कोई तुम्हारे पास नहीं आता ना, तो मत आने दो। तुम अपनी अलग दुनिया बनाओ। नेहा, नेहा, बचपन से एक दुनिया बना रहा हूं मैं, मेरी अपनी दुनिया। आज 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 मेरी दुनिया पूरी हो गई।
नहीं, मैं अभी आया, ओके? तुम यही बैठना, ओके? अभी आया हाँ?
Oh, wow! Fantastic! आज से ये घर दिल की सच्ची आवाज और सच्ची मोहब्बत के नाम यानी कि तुम दोनों के नाम जी रियली सर इस घर को बनाने की जिम्मेदारी के बाद इस घर को बसाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की ही तो ठहरी वैसे एक बात है डबरा साहब हरे 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 हरे